हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए यूजीसी नेट से रिलेटेड, यानी यूजीसी नेट का जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के ऊपर हम आपको सिलेबस एंड बुक मटेरियल्स के बारे में बताएंगे कि आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है वो क्या है, एंड बुक मटेरियल्स में आप कहाँ से जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की जो बुक्स है वो कहाँ से ले सकते हैं, एंड कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो पहले तो हम जान लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में, यानी जो आपका सिलेबस है लेटेस्ट सिलेबस वो क्या है। सो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसकी पीडीएफ हम यहाँ पे लेकर आए हैं। सो आपके सिलेबस को यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। सो फर्स्ट यूनिट में आता है आपका थ्योरीज एंड कंसेप्ट। सो फर्स्टली पहले आपको इसकी थ्योरी कम्प्लीट करनी पड़ेगी, जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का जो आपका सब्जेक्ट है इसकी थ्योरीज आपको कम्प्लीट करनी पड़ेगी, एंड उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें आपको करना है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में अप्रोचेस एंड अजप्शन की थ्योरी जो है वो कंप्लीट करनी है, देन कंसेप्ट ऑफ नेशन कंप्लीट करना है। उसी के साथ आपको स्टेट थ्योरी, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट करना है, नेशनल पावर एंड इट्स कंपोनेंट, देन की कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ मेजर पावर्स, मिडल पावर्स एंड स्मॉल पावर्स। देन इसी के साथ आपको मिलिट्री अलायंसेस एंड पैक्ट्स, पीस ट्रेड्स एंड डिफेंस कोऑपरेशन, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड सिक्योरिटी डायलॉग्स के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है आपका यूनिट सेकंड। सो यूनिट सेकंड में आपको स्ट्रैटेजिक थॉट क्या होते हैं वो जानने को मिलेंगे। सो स्ट्रैटेजिक थॉट आप जो बहुत सारे फिलोसोफर थे इंडिया के उनके थ्रू आप जान सकते हैं, जैसे कौटिल्य थे, उनके स्ट्रैटेजिक थॉट क्या थे। देन उसके बाद आपका है जॉमिनी है, देन उसके बाद डब्ल्यू मिचेल है, देन जे एफ सी फुलर, इन सब के जो थॉट्स थे, स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, उन पे प्लानिंग कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें आप इनमें जानने को मिलेंगे। देन उसके बाद आता है आपका यूनिट थर्ड में वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन, यानी वॉर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में। अगर दो कंट्रीज़ के बीच रिलेशनशिप नहीं बैठ रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वॉर करते हैं। देन वॉर के बाद या तो एक कंट्री जीत जाती है या फिर दोनों में समझौता हो जाता है। सो यहाँ पे आपको थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी। देन कॉजेज ऑफ वॉर, यानी वॉर के कारण, मतलब वॉर होती क्यों है, देन प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, देन उसके बाद आर्नामेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, देन उसके बाद मिलिट्री अलायंसेस क्या होते हैं, टेररिज्म क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ डिट्रेंस क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बहुत सारी बेसिक हैं। सो ये आपकी बहुत, अगर आपने एमएन डिफेंस एंड स्ट्रेटजी स्टडीज़ कर रखा है सो आपके लिए ये बहुत सिंपल सी चीज़ होगी, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें आपकी एमए से ही रिलेटेड है। देन आपका यूनिट फोर में आता है WMD, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी। सो इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट आपके सभी यूनिट्स के क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाएंगे तो फिर आप एग्ज़ाम कैसे क्रॉस करेंगे। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट है बेसिक कंसेप्ट एंड थ्योरी, जो कि आपका न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के बारे में है। देन आपका हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ डिसआर्ममेंट एफर्ट्स के बारे में है। देन आपको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में पता होना चाहिए। देन न्यूक्लियर आर्म्स लिमिटेशंस क्या होती हैं, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कंट्रोल डिजाइंस क्या होते हैं। सो बेसिकली आपका फोर्थ यूनिट में सारा न्यूक्लियर्स के बारे में था, यानी टेररिज्म में न्यूक्लियर का क्या इफेक्ट होता है, एंड रिडक्शन किस तरह से किया जाता है, चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं। उसके बाद आता है आपका यूनिट फाइव। सो यूनिट फाइव में आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा ग्लोबल सिक्योरिटी एंड कंसर्न। सो ग्लोबली हम किस तरह से सिक्योर रह सकते हैं एंड अपने जो कंट्री है उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कोल्ड वॉर, आप जानते ही होंगे कोल्ड वॉर क्या होते हैं, एंड एमरजेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर में आपके जो कंट्री है वो ग्लोबली सिक्योर रहती है। देन उसके बाद आता है प्रोलिफिकेशन ऑफ मिलिट्री, यानी मिलिट्री में शांति कैसे बनाई जा सकती है, न्यूक्लियर एंड मिसाइल्स कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास इतनी मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री पावर आपकी कम है, या फिर न्यूक्लियर पावर अगर आपकी ज़्यादा है, तो आपको किस तरह से उसे बैलेंस कर सकते हैं कि आप सामने वाली कंट्री पे हमला कर सकें या फिर उसको मैनेज कर सकें। देन आता है इन्वायरमेंटल इशूज़। आपने
न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया, मिसाइल्स पावर का इस्तेमाल किया, उसका इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे क्या पड़ता है उसका भी आपको ध्यान में रखते हुए ही आपको वो सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। सो उसके ऊपर भी आपकी स्टडीज़ होती है, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है। देन प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती है ह्यूमन लाइफ में, उसके बाद आता है आपका यूनिट 6। यूनिट 6 में आप देखेंगे इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न एंड पॉलिसीज इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सेनेरो। सो बेसिकली इसमें आप इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया में किस तरह की वॉर जनरेट हुई एंड कौन कौन सी वॉर के थ्रू हमने कौन कौन सी मिसाइल्स या फिर वॉर का जो कॉज था वो क्या था, मतलब वॉर किस कारण की वजह से हुई थी। देन अगर वॉर के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट यानी अगर समझौता हुआ है तो क्या था, वो सारी चीज़ें आप इस यूनिट में देखेंगे। सो अब आप 7th यूनिट में देखेंगे इश्यूज इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं वो आप जानेंगे। सो ओरिजिन एंड टाइप, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड आइडियोलॉजीज एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। देन उसके बाद टेक्निक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। देन उसके बाद आता है आपका यूनिट 8। सो इसमें आपका आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। सो इसमें आप पढ़ेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगर किसी कंट्री पे आता है सो उसकी पूरी तरह से नेशनल सिक्योरिटी किस तरह से की जाती है, जो आपने पढ़ा होगा MA में भी कि आपातकालीन जो स्थिति होती है उसमें कैसे करते हैं। सो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देन मीनिंग ऑफ डिज़ास्टर क्या होता है, डिज़ास्टर भी आपको पता होनी चाहिए, डिज़ास्टर बहुत ईजी टॉपिक है आपके लिए। देन उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद डिज़ास्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी। सो आपको पता है कि टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं डिज़ास्टर की, जैसे नेचुरल है, मैन मेड है, वल्नरेबिलिटी है, रिस्क एसेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको बहुत ईजी हैं एंड आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी। देन उसके बाद आता है आपका यूनिट 9। सो यूनिट 9 में आपको डिफेंस इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए कि आप डिफेंस तो कर रहे हैं अपनी कंट्री को लेकिन उसके लिए आपको इकोनॉमी की भी ज़रूरत पड़ती होगी। सो इकोनॉमिक तरीके से आप किस तरह से अपनी कंट्री को डिफेंस कर सकते हैं, सो इकोनॉमिक थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेज किस तरह के आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, एंड इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ वॉर क्या होते हैं, मतलब आपके पास इकोनॉमिक तरीके से वॉर क्यों होती है, या तो आपके कंट्री में बहुत ज़्यादा लोन हो गया है तो उसकी वजह से आप किसी और कंट्री से ले रहे हैं तो शायद अगर नहीं दे पाए तो उसकी वजह से आप वॉर हो सकती है आपकी कंट्री में। इसी तरह के अलग अलग कॉजेज होते हैं वॉर के। देन उसके बाद आता है यूनिट 10, जिसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा डिज़ास्टर के बारे में, सो अब हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद इन अ नेशनल सिक्योरिटी। सो नेशनल सिक्योरिटी हम किस तरह से कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट किस तरह से होती है एक कंट्री में, डिफेंस कैसे किया जाता है एंड किस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, किस तरह के जो चेंजेस हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। इस PDF में हमने आपको दिखाया है कि जो आपका पूरा टोटल सिलेबस है, पूरा डीप सिलेबस हमने आपको दिखाया है। सो अब हम आपको बताते हैं कि ये जो आप सिलेबस है कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। सो आप अपनी स्क्रीन पे कुछ बुक्स देख रहे होंगे, ये आपके सिलेक्टिव बुक्स हैं जो कि आपके पेपर 2 के लिए बहुत बेस्ट बुक्स हमने चूज़ किए हैं, जिससे आप जो अपना पेपर है वो अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। सो UGC नेट के लिए अगर आप ये बुक्स बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी बाय कर सकते हैं। सो वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। वहाँ पर हर सब्जेक्ट की बुक आपको अवेलेबल मिल जाएगी, चाहे वो PDF फॉर्म में हो या फिर किसी पेपर फॉर्म में। एंड आपको अगर इग्नू से रिलेटेड हेल्प बुक्स, गाइड्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की नीड है तो आप वो भी हमारी वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपको UGC नेट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी या डाउट है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आर वीडियो।